अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मुहर्रम का दूध का शरबत बनाएंगे। इस मुहर्रम का स्पेशल शरबत को ऑथेंटिक तरीके से बनाकर घर पे रही चीज़ों से इजी आसानी से बनाकर दिखाएंगे। इस शरबत को बनाने के लिए हम पहले सब्जी के बीजों को भिगने रख लेते हैं। इसके लिए हमने एक टेबलस्पून सब्जी के बीजों को बोल में डाल के थोड़ा सा पानी डाल लिया है। इसे 3-4 घंटे भिगने छोड़ देना है। ये पूरी तरह भुग जाएंगे। अगर आपके पास सब्जी मिंजन है तो अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए बोल को हमने स्टोव पे रख लेके 3 कप 1/3 कप चीनी को डाल लिया है। इसके साथ हम 1/2 कप पानी को डाल लेके चाशनी को बनाते जाएंगे। हलाते हुए चाशनी बनाते वक्त ही हमें इसके अंदर 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर सब्जी के पत्तियों को डाल लेते हैं। सब्जी पत्तियों को हमने 8-10 लिया है। इसको अच्छी तरह धो के डाल लेते हैं। ये ऑथेंटिक तरीका, ट्रेडिशनल तरीका है। सब्जी के पत्ते से ही शरबत बनाया करते हैं। और सब्जी के पत्तियों को चाशनी में डाल के पकाने से इसका फ्लेवर और निखर के आ जाएगा। और उनको मिला के फिर से हम इसके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करते हैं। यहाँ पे ऑप्शनल है फूड कलर, आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हम ड्राई फ्रूट और ग्रेटेड कोया खोपरे को डाल लेंगे। इसमें हमने काजू बादाम और पिस्ता को ग्रेटेड करके डाल लिया है 2 टेबलस्पून। इन सारों को चाशनी में पका लेंगे थोड़ी देर। देखिए चाशनी बन गई है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ऑफ फ्लेम ऑफ करके ठंडा होने के बाद चाशनी को हम दूध में मिलाएंगे। यकीन माने सब्जी पत्तियों को पकाने से फ्लेवर भर हो गया है रूम पूरा। और कोई एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद शरबत बनाएंगे। शरबत बनाने के लिए हमने लीटर दूध को उबाल के ठंडा कर लिया है। पूरी तरह ठंडा होने के बाद इस ठंडी हुई चाशनी को भी ऐड करते हैं। मुहर्रम के खास शरबत में सब्जी के बीज और सब्जी के पत्ते को डाल के बनाया करते हैं। अगर आपको अवेलेबल रहें तो इन सब्जी के पत्तियाँ, गुलाब के फंगड़ियाँ और गुलाब का एसेंस डाल के भी बना लीजिए। वो भी बहुत मज़े का लगता है। सब्जी के पत्ते बनाए हुए शरबत हेल्दी भी है। और इसके अंदर हम सब्जी के बीजों को तल लेंगे। इस सब्जी के बिंदे के साथ हम थोड़े से फ्रेश सब्जी के पत्तियों को भी डाल लेते हैं। ये हेल्दी शरबत ऑथेंटिक तरीके से हमने बनाकर दिखाया है। इस शरबत को ठंडा सर्व किया जाता है। इसके अंदर आइस क्यूब्स या ठंडा पानी डाल के बना लीजिए। हमारे शरबत की रेसिपी आपको पसंद आने पर प्लीज़ लाइक कीजिए, एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए और इसका लुकिंग बढ़ाने के लिए हमने सब्जी पत्ते थोड़े से ड्राई फ्रूट को गार्निश किया है। और टेस्टी टेस्टी शरबत रेडी हो गया है। इस रेसिपी को फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।